ब्रिटिश से लड़ाई को के कारण टीपू सुल्तान का आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये सब लेफ्ट का इतिहास था और नए इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है। अच्छा, इतिहास आविष्कार करने की चीज नहीं होती है ना, आविष्कार करेंगे? जो आपका डोमेन नहीं हो उसमें मत घुसिए साहब। इस देश का दुर्भाग्य है कि अब अमित शाह जी इतिहास लिखने लगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा के तहत आप अगर इतिहास की संकल्पना करते हैं ना, तो आप इतिहास का नुकसान करते हैं, वर्तमान का नुकसान करते हैं और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। काम बहुत है आपके समक्ष यार, बेरोजगारी पे बात करो ना, कमीशन खोरी चल रही थी कर्नाटक में उस पर बात करो ना, अडानी पे बात करो ना, चुप्पी क्यों है? ये समसामयिक मुद्दे हैं, चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए। इतिहास में जाके औरंगजेब टिपू सुल्तान करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री बोरिस के निशाना साधा गरीबी हटाओ का नारा था उसके लेकर, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है अब तक का, और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती दिखा रही है वोट की सारी, उनकी लहर बीजेपी की लहर में दिख रही है। प्रधानमंत्री ऐसा बहुत बोलते हैं, बिहार में भी बोल रहे थे 15 में, बुरी तरह शिकस्त हुई। प्रधानमंत्री जी को आदत है अतिरेक में काफी कुछ बोल जाते हैं। अरे गरीबी हटाओ, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए और कितनों को आप नीचे ले आए अपने 8-9 वर्षों में। फर्क इतना है कि मीडिया के एक वर्ग को आपने करतल ध्वनि में साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय में लगा दिया, अन्यथा हर गली चौराहे पर जो ज्वलंत मुद्दे है ना उस पर बात होती। कम से कम आंकड़ों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। आप 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, आप निरंतर चुनाव प्रचारक की भूमिका में दिखते हैं, अच्छा नहीं लगता। सोनिया गांधी कल हुबली में थी चुनाव प्रचार के लिए, उन लोगों के खिलाफ थी जो नफरत फैलाते और नफरत फैलाने वाले लोगों को कर्नाटक में सत्ता में। देखिए हुबली किनका चुनाव क्षेत्र, जगदीश सेठार चुनाव वहां से लड़ रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता थे। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।